question of exercise 3.7. Okay, this is given. Students of the class are made to stand in the rows. Three students are extra in a row, then rows would be less. यानी कि एक क्लास में क्या गया, स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया. अगर एक रो में तीन स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो रो एक कम पड़ जाती है. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को लेट कर लेते हैं एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में कितने हैं वाई. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, जितनी रोज हैं और जितने एक रो में स्टूडेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई आंसर आ गया. अब उसने बोला अगर स्टूडेंट तीन एक्स्ट्रा एक रो में खड़े कर देते हैं तो एक रो ही खत्म हो जाती है, यानी एक रो कम होगी जितनी रोज लेट की थी. एक्स माइनस वन और दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर रो को कितना आएगा, एक्स वाई. खोला इस ब्रैकेट को, एक्स वाई माइनस वन वाई प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, थ्री एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू थ्री. ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन में बोला है अगर एक रो में तीन स्टूडेंट कम कर देते हैं तो रो दो एक्स्ट्रा बन जाती हैं, यानी रो में दो प्लस हो जाएंगे और स्टूडेंट से तीन माइनस हो जाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये इक्वेशन आ रही है. ओके, उसके बाद क्या किया, ये दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया. वन वाई इज इक्वल टू नाइन आ गया और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ और मेरा एक्स कितना आ रहा है, फोर. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे, जितनी रोज हैं और जितने स्टूडेंट एक रो में, यानी नाइन फोर ज़ा 36 आंसर. ओके.